देखिए बस मधु, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। तो इसकी दो इक्वेशंस आपको मार्केट में मिलेंगी। एक मिलेगी ए साइन के एक्स माइनस वी टी और दूसरी मिलेगी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये जो अभी लेक्चर चलेगा इसमें हम बेसिकली ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को डिराइव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप डिराइव करेंगे। अगर आपको डेरिवेशन नहीं समझ आई तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये दोनों इक्वेशंस को रट सकते हैं। अगर समझना चाहते हैं तो जो पूरा लेक्चर है वो समझने दें कि ये डिराइव कैसे की जाए। तो इमेजिन कीजिए ये आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x। तो मतलब आपको दिख रही है लाइन y इज इक्वल टू 3x। हाँ सर, तो यार ये मेरे पास कोई जनरल लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। तो जो m है वो स्लोप ऑफ द लाइन है, तो ये केस में जो m है वो 3 है। समझ आ गया ना मेरी बात? समझा। अरे यार y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसे एक लाइन होती है ना, तो उसमें ये स्लोप है और ये जिसका c हाँ इंटरसेप्ट, सर, तो मैंने उसको सिंपलीफाई कर लिया, c को जीरो कर लिया। जब मैं c को जीरो कर रहा हूँ तो वो ओरिजिन से पास कर रही है। हाँ सर, समझ गया ना? तो अब समझा देखिए सर। ये जो लाइन है, ये जो हम मैथ्स में करते हैं y इज इक्वल टू mx वाली लाइन है, इमेजिन कीजिए। देखिए ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, इमेजिन कीजिए कि ये जो लाइन है ये राइट की तरफ भाग रही है एट 5 मीटर पर सेकंड। बस मधु समझ आया नहीं यार? समझा अरे भाई ऐसी लाइन है, ये यहां पर एक लाइन होगी ऐसे, ये लाइन है। अभी जो लाइन है ये इस साइड भाग रही है, ये बाजू भाग रही है। कितनी स्पीड पे? 5 मीटर पर सेकंड पे। और क्यों भगा रहा हूं मैं इसको? अभी इसको 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा क्यों भगा रहा हूं। अब ये जो भागती हुई लाइन है राइट साइड पे भाग रही है, याद रखिए राइट साइड पे। मैं ये चाहता हूं कि आफ्टर फोर सेकेंड्स जो लाइन है 5 मीटर पर सेकंड पे भाग रही है, 4 सेकंड के बाद 20 मीटर्स राइट पे चली गई होगी। इस मतलब लॉजिक समझ आया? तो हाँ सर, समझा। ये आपकी इनिशियल लाइन इक्वेशन थी और ये 4 सेकंड के बाद जो नई लाइन है वो आपको ये नजर आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी इक्वेशन मुझे मिल रहा है। मेरी बात समझ आई या नहीं है? हाँ सर, समझा। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो सर, नो कन्फ्यूजन। मैं किस लिए लाइन को भगा रहा हूँ वो अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। चैप्टर वेव का ही चल रहा है, घबराना मत। ये मेरी कोई लाइन है y इज इक्वल टू mx, कोई भी लाइन हो सकती है। उसको एक अच्छी फॉर्म देने के लिए मैंने क्या किया ताकि मुझे समझ आ जाए जल्दी, उसको कुछ भी, आपको 3x नहीं अच्छा लगता आप इसको y इज इक्वल टू 4x दे दीजिए। अभी जो लाइन है, ये जो लाइन है वो भाग रही है एट अ सर्टन स्पीड, कोई भी स्पीड ले लीजिए, 11 मीटर पर सेकंड ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। और किसी भी टाइम के बाद, लेट अस अज्यूम एट टाइम t इज इक्वल टू 7 सेकंड्स, तो जो लाइन है वो भागती हुई जब राइट में भाग रही है तो ये साइड पे पहुंच जाएगी। बेटा समझा? हाँ सर, तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये x है ये y है, 7 सेकंड के बाद 11 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 77 मीटर भागे होंगे। बेटा नहीं समझा? हाँ सर, समझा। जब वो 77 मीटर इस साइड भागी है, अब ये जो आपको समझ आ रहा है, ये जो इक्वेशन थी इसका तो इंटरसेप्ट 0 था, इसलिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से इसका तो इंटरसेप्ट 0 था, तो इसलिए ये इक्वेशन थी। बट अब ये जो इक्वेशन है इसका तो कोई इंटरसेप्ट आपको नीचे नजर आ रहा होगा, तो इसकी स्लोप तो यही होगी, पर यहां पर कुछ और साथ में लगाना पड़ेगा। बेटा नहीं समझ आया मेरी बात? समझा सर। तो यही मैं एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं और आपको ये बोल रहा हूं कि इस मधु, मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि 5 मीटर पर सेकंड पे जब ये लाइन राइट पे भागेगी, राइट पे भागेगी याद रखिए, तो 4 सेकंड के बाद इसकी जो नई इक्वेशन है वो बन जाएगी y इज इक्वल टू ये। मेरी बात नहीं समझ आई?
समझा सर। अब आपको यकीन नहीं होता, आपको लगता है नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक सिंपल सा पॉइंट ले लेता हूँ। ये जो मेरी नई इक्वेशन बनी y इक्वल टू 3x-20, इसमें मैंने एक सिंपल सा पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू ये वाला 20, तो y क्या आ जाएगा 0। नहीं समझ आया? हाँ समझा सर। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और नींद नहीं आ रही आपको, इसी लाइन को अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो अगर मैं ये वाला पॉइंट तो मिला, -20 आएगा। शाबाश, -20 क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे y जो है वो कितना आता है -60। बेटा समझा? ओके सर। मिस मतलब डाउट सर, ये समझा सर। बट सर वो इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x-20 होगा ना, वो ब्रैकेट क्यों? अरे वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये जो इक्वेशन है वही आपको पकड़नी है बात। जैसे ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो 4x था, जो नई इक्वेशन बनेगी वो x माइनस ये जो 77 है। याद रखिए 77 कैसे आया था, 77 आया था 11 into 7 कैसे आया था, b into t करके। हाँ, बेटा समझ नहीं आ रहा? हाँ सर ये, हाँ समझा। मैं आपको ये कह रहा हूँ ये 4x-77 होगा, y इज इक्वल टू 4x-77 नहीं होगा। मेरी बात नहीं समझा? समझा सर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट वो शिफ्ट हो गया उसी ने। देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, लॉजिक सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको खुद से समझ आ जाएगा। देखिए अगर आपको शक होता है कि ये इक्वेशन ठीक नहीं है, x माइनस 77 ठीक नहीं है, तो मैं आपको दो पॉइंट्स लेके प्रूव करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है बिल्कुल ठीक है। कौन से कौन से? एक तो ये पॉइंट ले लेता हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ पर x जो है वो कितना है 77, और y कितना आना चाहिए 0। बात समझ आ गई आपको? हाँ तो हाँ, ये देखिए 77-77 y आ गया 0, y इक्वल टू 0। हाँ दूसरा मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा कि ये देखो इसमें x नेगेटिव आएगा, क्यों, x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आएगा 4 into -77, कुछ माइनस में वैल्यू आएगी। बेटा समझ गया? हाँ सर। हाँ समझा, अभी समझा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये इक्वेशन गलत क्यों चल जाती है, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। देखिए ये इक्वेशन में अगर आप x इज इक्वल टू 77 डालते हैं, कौन सा पॉइंट, ये वाला x इज इक्वल टू 77 डालते हैं, देखिए y जो है वो 0 नहीं आने वाला। नहीं समझ आया बेटा? हाँ सर, कुछ वैल्यू आएगा। कुछ वैल्यू आएगा, ये कुछ आएगा 3 into 77, ये कुछ वैल्यू आएगा 7 3 21 7 3 21 231। बेटा समझ आया? सर तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, फिर से समझिए मेरी बात, मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता चुका हूं अगर आपको कि हम इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से डिराइव कर रहे हैं। ये अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx है और ये इक्वेशन राइट साइड पे v वेलोसिटी से भाग रही है, बेटा समझ आया? हां सर। आफ्टर t सेकंड्स, आफ्टर t सेकंड्स इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू m x माइनस वी टी। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। ओके, अगर यहां तक आपको ज्ञान गणित समझ आ गया तो एक बात और समझ लीजिए। देखिए ये बात तो, ये जो यहां पर लिखा हुआ ये तो आपको समझ आ गया, ये जो लिखा हुआ ये तो आपको समझ आ गया कि y m x माइनस vt है। अब मैं आपके साथ डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट आपको अगर R&D करना है तो आप खुद R&D कर सकते हैं, वो ये R&D कर सकते हैं कि यही लाइन अगर लेफ्ट पे भागे एट अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। बेटा समझ आया? हाँ सर। तो इसकी जो इक्वेशन
मतलब आफ्टर वही टी सेकेंड्स इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी वाई एम एक्स प्लस वी टी। बेटा नहीं समझ में आया इसमें तो समझ नहीं आया सब सर। जो कंफ्यूजन हो जाती है वो थोड़ी ये हो जाती है जो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, बट दिमाग को समझाइए और अगर ये इस साइड भागती है लाइन विद अ वेलोसिटी v, तो यहां पर जाके इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m x माइनस वी टी, और अगर ये इस साइड भागती है तो इसकी यहां पर जाके इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वी टी। मतलब डाउट है? नो सर, नो डाउट। देखिए आप उसको प्रूव कर सकते हैं, वो प्रूव करते रहिए जैसे मैंने अभी एग्जांपल से वो अपने आप प्रूव करते रहिए, मैं उसमें नहीं जा रहा, बट एक मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव है, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव है, तो अगर आप इसमें नेगेटिव वी डालेंगे तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस माइनस वी इंटू टी, तो ये आ जाएगा एम एक्स प्लस वी टी। बेटा समझ आया नहीं? हाँ सर समझा सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है बेटा कि अगर कोई कर्व लो और कर्व को इस साइड भगाओ तो उसमें जो एक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्स माइनस वी टी में। और किसी कर्व को लो और कर्व को अगर आप लेफ्ट में भगाओगे तो कर्व बन जाता है एक्स प्लस वी टी। बेटा नहीं समझ पाया? समझा सर। कोई भी आपके पास फंक्शन हो सकता है एफ एक्स, अगर वो भाग रहा है राइट पे तो उसकी इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस वी टी। याद रखिए ये एक्स और वी टी इकट्ठा है, इसको अलग अलग नहीं करना। और वो अगर कर्व भागता है लेफ्ट पे तो उसका इक्वेशन बन जाती है एक्स प्लस वी टी। इसमें तो नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। आपको समझ आ गया, अच्छी बात है। थोड़ा सा और देखिए, फाइनली हमें जो डिस्कस करना है जो हमारे सिलेबस में है वो है प्रोग्रेसिव वेव्स जो कि नजर आती है ऐसे साइन की तरह, साइन या कॉस भी आप लेंगे तो सेम ही जो शेप है वो बेसिकली सेम ही नजर आती है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो या तो हमें साइन की शेप में नजर आती है हमारी वेव्स या कॉस की शेप में नजर आती है। अब देखिए थोड़ा सा ज्ञान गणित लीजिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये मेरा जो कर्व है वो y इज इक्वल टू 3 साइन 5 एक्स है। मेरी बात समझ आए? हाँ सर। अब 2 मिनट लगा के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें 3 का मतलब क्या होता है और 5 का मतलब क्या होता है। देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का काम है, ये जो अंदर लिखा हुआ है साइन 5x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 या -1 के बीच में रहेगी। मेरी बात समझ? समझा सर। अगर इसकी वैल्यू 1 या -1 के बीच में रहेगी तो ये पूरे की जो वैल्यू है वो 3 या -3 के बीच में रहेगी। बेटा समझ नहीं आया? समझा सर। कहने का मतलब ये वाला जो 3 है ये क्या करता है, जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज करके 3 तक ले जाता है। बेटा नहीं समझ में? समझा सर। और नीचे जो है वो उसको ले जाता है -3 पे। बेटा समझ नहीं आया? हाँ सर समझा। अब थोड़ा आराम से समझिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन 5x है ये क्या करता है। इसके लिए 2-3 एग्जांपल लीजिए, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। 2-3 एग्जांपल लेंगे तो खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये तो हमारा एकदम स्वीट इनोसेंट साइन एक्स, अभी जो साइन एक्स है इसका पीरियड है 2π। बेटा नहीं समझ में? समझा सर। अब देखिए एक दूसरा कर्व लेते हैं साइन 2x, मेरी बात समझ आई? हाँ सर। और एक और कर्व लेते हैं साइन 1/2x। बेटा समझ आया?
हाँ सर, अब जो मैं कह रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनिए, देखिए सबसे सिंपल एकदम सिंपल वे से समझा रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू पाई पे ये ऑलरेडी साइन टू पाई आ जाएगा, नहीं समझ में आया बेटा? मेरी बात समझ आएगी आपको? कहने का मतलब ये x इज इक्वल टू पाई है बट जो साइन 2x है वो आपको ऐसा नजर आएगा, 2 पाई तक तो वो दो बार ट्रेवल कर चुका होगा। नहीं, मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझा सर। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ये सेम ही है तो मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। मतलब जो साइन 2x है वो 2 पाई में दो बार पूरा हो जाता है। नहीं समझ में आया बेटा? समझा सर। कहने का मतलब जब ये यहां पर 2 आता है, मतलब 1 2 3 4, तो वो जो अपना साइन है वो 2 पाई में जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ सर। और साइन एक्स में समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए तो फटाफट समझ आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू आपको 4 पाई लेना पड़ेगा, तो अगर हाफ एक्स करेंगे तो वो कितना बनेगा? 4 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई। नहीं समझ आया बेटा? हाँ सर, समझा। तो एक्स एक्स इज इक्वल टू 4 पाई आप करोगे, जब ये 4 पाई करोगे मतलब यहां से पूरा, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके आपको दिखाता हूं तो क्लैरिफाई हो जाएगा। ये देखिए, ये यहां तक जाके जब 4 पाई होगा तो जाके पूरा साइन कर्व बनेगा बेटा। नहीं समझ रहा? हाँ सर, समझा सर। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपका नॉर्मल साइन एक्स है, अगर यहां पर 2 3 4 5 6 होगा तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बट अगर यहां पर हाफ 1/3 1/4 1/5 है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। मेरी बात समझ आई नहीं आई बेटा? हाँ सर, समझा। ओके, मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ, वेव नंबर। वेव नंबर, अब ये वेव नंबर भी कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज ही है, 2 मिनट लगा के समझ लीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको याद होगा डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 5 साइकिल्स पर सेकेंड। मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर। और टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में हाउ मेनी साइकिल्स। बेटा समझ आया? हाँ सर, समझा। सो फॉर एग्जाम्पल इसी केस में 1 सेकेंड में आपका 1/5 साइकिल वो होगा। नहीं समझा बेटा? समझा सर, समझा। इसीलिए 5 सेकंड में पूरा 1 साइकिल होगा। हाँ सर। ये जो कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट वेव नंबर का है। क्या कंसेप्ट है 2 मिनट में देख लीजिए। देखिए ये मेरा 2 पाई है, अब इसमें कंसेप्ट क्या है, 2 पाई में, 2 पाई इंटरवल में, 2 पाई इंटरवल में हाउ मैनी, मैं इस पूरे 1 साइकिल को वेवलेट बोल रहा हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड। मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर, समझा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड नहीं है, याद रखिए ये मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जो होगा इसको मैं वेवलेट बोलूंगा। समझ आया? हाँ सर। ये बुक्स बुक्स वगैरह में यूज नहीं करेंगे, बुक में जो वेवलेट यूज करेंगे उसका मतलब कुछ और होगा, मैं इसका मतलब ऐसे करके यूज कर रहा हूँ। तो इन टू बाय इंटरवल्स हाउ मेनी वेवलेट्स। बेटा समझा? हाँ सर। फॉर एग्जांपल इस केस में 2 पाय इंटरवल में 1 वेवलेट है, तो इसका मतलब जो k की वैल्यू वो आ जाएगी 1। भाई नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल कंफ्यूजन आ रही है? समझा सर। ओके,
जैसे ये 2π है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक वेवलेट, दो वेवलेट, तीन वेवलेट, बेटा समझ आया? हाँ सर। तो इस केस में मेरा k क्या होगा? 3। हाँ। अब देखिए फिर से देख लीजिए, लेट अस अज्यूम ये मेरा 2π है और ये मेरा 4π है, बट इस केस में देखिए, सॉरी इस केस में जो वेवलेट बन रहा है वो ये बन रहा है, बेटा समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। तो 2π में आपकी कितनी वेव बनी? हाफ वेव, हाफ, हाँ हाफ वेवलेट, तो के क्या होगा? हाफ। भाई समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन आ रही है बहुत। समझा सर? पक्का? पक्का। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो के है वो हमें ये बता रहा है कि आप 2π इंटरवल में कितनी कितने वेवलेट्स डाल सकते हैं, बस मत तो समझ आ रहा। हाँ सर, समझा सर। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा 2π इंटरवल है, अब इस 2π इंटरवल में अगर आप देख रहे हैं मैं दो वेवलेट डाल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक मेरा एक वेवलेट और यहां से लेके यहां तक मेरा दूसरा वेवलेट, इसमें तू समझा? हाँ सर समझा। तो 2π इंटरवल में, 2π इंटरवल में मैंने दो वेवलेट डाल दिए, तो मेरा जो जो के है वो ये कैप्चर करता है कि मैं 2π इंटरवल में कितने वेवलेट डालता हूं, तो के बेसिकली इसको कैप्चर करता है, आपको समझ आया? हाँ सर। तो मेरी इक्वेशन जो है वो बन जाती है y इज इक्वल टू साइन के एक्स, बेटा समझ आया? हाँ सर। तो बेसिकली ये जो मेरा ये जो लिखा होता है साइन, साइन के अंदर जो ये ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे अगर हम ये कोई भी रैंडम आप इक्वेशन लेते हो, y इज इक्वल टू साइन 5x, y इज इक्वल टू साइन 4x, y इज इक्वल टू साइन 1/4x, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ये डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये है वेव नंबर, बेटा समझा? कि हाँ सर। और ये मुझे ये बताता है कि 2π इंटरवल में, कि 2π इंटरवल में मैं कितने वेवलेट डाल सकूंगा। सो फॉर एग्जांपल इस केस में 2π इंटरवल में 1/4 ऑफ द वेवलेट आएगा, इस केस में 2π इंटरवल के बीच में 4 वेवलेट्स आ जाएंगे, और इस केस में 2π इंटरवल में 5 वेवलेट्स आ जाएंगे, बस मतलब डू वी एग्री टू दिस? यस सर। तो इसी तरह जैसे अब ये तो हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले रहे हैं, बट अगर आप फ्रैक्शन लेते हैं तो जैसे इन 2π इंटरवल अगर मेरा हाफ वेवलेट आता है, अगर मेरा हाफ वेवलेट आता है, जैसे ये केस में अगर आप देखेंगे 2π इंटरवल पूरा हो चुका है बट मेरा जो वेवलेट है वो तो हाफ ही आ रहा है, तो इस केस में मेरा जो क्या नाम जो के है वो हाफ बन जाता है, और जो मेरी इक्वेशन है वो ये बन जाती है वाई इज इक्वल टू साइन के एक्स के हिसाब से हाफ एक्स, बेटा समझ आया? हाँ सर। और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर आप ये सब तामझाम में क्यों पढ़ रहे हो, आप सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते k इज इक्वल टू 2π/λ, और मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी यही जो बुक्स में ऐसे लिखा होता है मैं उसको सिर्फ आपको डिराइव करके बता रहा हूँ। जैसे अब ये फॉर्मूला इस केस में अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो मेरा ये जो वेवलेट है, ये जो वेवलेट है इसकी जो वेवलेंथ है वो पाई है, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं लैम्डा पाई डालता हूँ, लैम्डा को पाई डालता हूँ, तो के की वैल्यू मेरी सट से 2 आ जाती है, बेटा समझा? हाँ सर। और किस केस में ये जो मेरा वेवलेट है इसकी इसका जो लैम्डा है, इसका जो लैम्डा है वो 4π है, क्योंकि 2π तक तो आधा हो जाता है, तो ये 4π तक जाके पूरा होगा, तो अगर लैम्डा मेरा 4π है तो के की वैल्यू जब मैं लैम्डा यहाँ पर 4π डालता हूँ तो मेरे के की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाती है, विच इज एज एक्सपेक्टेड। हाँ सर। तो बेसिकली अभी तक जितना भी भाषण चला उसमें हमने दो चीजें देखी, एक चीज तो ये देखी कि y इज इक्वल टू y 5 sin 6x, इसमें ये जो है ये तो मेरा बता रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना हो, और ये मुझे बता रहा है मेरा वेव नंबर, बेटा समझ आया नहीं आया? हाँ सर। अब बिना सोचे समझे, मतलब ऑफकोर्स सोचना समझना तो मुझे पड़ेगा, बट वॉट आई कैन सी इज इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है
वो 5 से लेके -5 के बीच में ही घूमता रहेगा, बेटा समझ आ रहा? हाँ सर समझा। और ये जो 6 है, ये जो 6 है ये मुझे इस तरफ ये बता रहा है कि 2 पाई इंटरवल के अंदर मेरे 6 वेवलेट्स आ जाएंगे, बेटा समझ आ रहा? हाँ सर। तो k की वैल्यू है इस केस में 6 है, और अगर आप उसमें k = 2 पाई / लैम्डा करते हैं तो घूम फिर के बात वही आती है यार, एक ही बात हम करते जा रहे हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो इस केस में 2 पाई / 6 या पाई / 3 होगी। तो कहने का मतलब यहां तक ये जो इंटरवल होगा ये पाई / 3 होगा, बेटा समझ आ? हां सर समझा। और इसको होना ही पड़ेगा पाई / 3 क्योंकि इस तरह के यही जो है इस तरह के 6 वेवलेट्स आप लोगे तो आपको 2 पाई मिलेगा। इस मतलब डू वी एग्री? यस सर। तो हमें ये समझ आ गया, वेवलेट समझ आ गया, और एक बात और समझ आ गई कि यही जो वेव है, अब फाइनली पिछले एक घंटे से हम ये बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वेव है y = 5 sin 6x और ये एट अ स्पीड v = 7 मीटर पर सेकंड अगर ये राइट पे भाग रही है तो बेटा इसकी इक्वेशन हो जाएगी 5 sin 6x minus vt। बेटा समझ गया? समझा सर। इसमें जो कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन ये हो जाएगी जो आपने पूछा और मैंने आपको उसी टाइम एक्सप्लेन कर दिया कि आपने जो vt मारना है वो x के साथ लगाना है, अलग मत करना। इसीलिए ये इक्वेशन है a sin kx minus vt। बेटा डाउट है? नो सर नो डाउट। तो अभी जो हमने डिस्कशन की है वो ये नोट्स आपके साथ शेयर कर लूंगा, उसमें यही सब जो हमने डिस्कशन की है इसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। मेरी बात समझ आ गई आपको? हाँ सर। तो इसमें आपको थोड़े और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बात वही चल रही है जो हमने डिस्कस की है। तो फाइनली हम कहां तक पहुंचे? यहां तक पहुंचे। ये जो इक्वेशन है y is equal to, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखिए ये जो इक्वेशन है वो y is equal to a sin kx minus vt। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मेट। देख लीजिए इसी इक्वेशन को दूसरी तरह लिखा जाता है। तो यही आपको बुक्स की डेफिनेशन जो है वो ही, वो बेसिकली ये है कि दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव। ये एक ऐसी प्रोग्रेसिव वेव है, तो मतलब ये जो वेव है याद रखिए इस साइड चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो इट इज लाइक अ रिपल इन अ लेक जो कि इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, वो शोर से बाहर की तरफ जाता जाएगा। तो अब इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में बात घुसाने के लिए, ये आपके पास एक व्हील है, ऐसा एक व्हील है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे घूम रहा है। मेरी बात समझ आए? हाँ सर। अब इस सिर्फ अपने दिमाग में सेट करने के लिए, इस व्हील के साथ आपने यूं यहां पर एक रस्सी बांधी हुई है, तो जब ये घूमता जा रहा है तो इमेजिन कीजिए कि जो रस्सी है वो इस साइड चलती जा रही है। बेटा समझ आया? हाँ सर। अब इसके जो घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, मतलब ओमेगा रेडियन पर सेकंड। अब इसमें हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के फंडे हैं वो दोबारा फिर से आ जाते हैं, जो कि बार बार हमने फर्स्ट चैप्टर में किया, रोटेशन में किया, वही हमने SHM में किया। ये वाला फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ, और इसको आप लिखते हैं 2 पाई बाई टी क्योंकि एफ होता है 1 बाई टी। इस बात कोई डाउट? नो सर। अब क्योंकि वेव की बात चल रही है तो जो वेलोसिटी ऑफ अ वेव है वो एफ लैम्डा है, वो तो किसी भी वेव पे आप लगा सकते हैं। नहीं समझ आया? हाँ सर। जो ओमेगा है ये जो एफ है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अब मैं पहले इसको लिख लेता हूँ क्योंकि उसमें हर तरह के डेफिनेशन आपको मिलेंगी। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा टाइम पीरियड है, ये मेरी लीनियर वेलोसिटी है, ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी है,
बाकी तो आपको पता ही है। तो ये जो एफ है, ये जो एफ है, इसमें ये वाला एफ निकाल के मैंने वी बाय लेमडा डाल दिया, तो ये बन गया टू पाई लेमडा। और ये जो टू पाई लेमडा है, ये मेरा की जो जिसकी अभी 10-15 मिनट डिस्कशन हुई है, तो मेरा जो ओमेगा है वो क्या बन गया, की वी। इसमें तो कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। अब इसमें तो ओमेगा इज इक्वल टू की वी को लेके मैं अपनी इस इक्वेशन पे गया जो मैंने अभी डिराइव की है, के एक्स माइनस वी टी, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट खोल के के एक्स माइनस के वी टी डाला, और अब तक तो मैं ये डिराइव कर चुका हूँ कि जो मेरा के वी है वो किसके इक्वल है, ओमेगा के। तो मेरी जो दूसरी इक्वेशन वही है, बट उसका दूसरा जो रूप है वही है। बेटा समझ आया? हाँ सर। एंड एज पर आवर डिस्कशन, याद रखिए ये शुरू शुरू में आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, ये जो इक्वेशन है ये जा रही है ये बाजू, अगर ये वेव जा रही होती ये बाजू तो यहां पर आ जाएगा प्लस। बेटा समझ आया? हाँ सर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को लेके मैं स्टैंडिंग वेव्स बनाऊंगा, स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट सिर्फ याद रखिए, अभी तक सिर्फ ये याद रखिए कि जब माइनस होता है तो इक्वेशन जाती है इस साइड, और जब प्लस होता है तो इक्वेशन जाती है ये बाजू। सिर्फ ये बात याद रखिए। और एक छोटी सी बात और याद रख लीजिए, जब इतना तामझाम आपको समझ आ गया, एक और शेप आपको जो नजर आएगी इक्वेशन की वो नजर आएगी y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस, कई बार ये 5 डाल देते हैं, कई बार ये डेल्टा डाल देते हैं। अब ये जो है सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए जैसे ये इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, चलो मैं ये ले लेता हूँ, इसको समझने के लिए सिर्फ ऐसा कीजिए कि x इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू जीरो ये डाल दीजिए, तो ये क्या बनता है y इज इक्वल टू a साइन डेल्टा। बेटा समझ गया? हाँ सर समझा। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ मिस मधु कि अगर ये आपकी वेवलेट भागती जा रही है तो आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये वाले पॉइंट पे x is equal to 0 और t is equal to 0 पे जो आपकी इनिशियल कंडीशन है, जो आपकी इनिशियल कंडीशन है वो कौन शो करेगा, वो शो करेगा ये। बेटा समझ गया? हाँ सर समझा। नहीं समझ आया तो 2 मिनट लगा के समझ लीजिए। अगर डेल्टा 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो कहने का मतलब ये वेव होगी ऐसी। नहीं समझ आया बेटा? हाँ सर। अगर अगर इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, मैं सिंपल वैल्यूज ले रहा हूं, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन 90 आ जाएगा ए, शाबाश। तो आपकी जो वेव बनेगी वो बनेगी ऐसे। बेटा नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। अगर आपका डेल्टा की वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस अस्यूम 45 डिग्री, तो y क्या आ जाता है a upon root 2, तो ये आ गया root 2 by root 2, a root 2 by 2, a root होता है 1.4, ये होता है 2, तो 0.7 a 0.7 है, तो मतलब और पॉजिटिव है, तो आपकी जो इक्वेशन, जो आपकी वेव होगी वो होगी अप्रोक्सीमेटली ऐसे। बड़ा समझ नहीं आया? हाँ सर समझा। ये जो वैल्यू है ये है प्लस 0.78। तो अगर आपको मेरी बात, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो ये जो है ये आपको इनिशियल कंडीशन बताएगा कि ये पॉइंट पे t इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो पे आपकी वेव कहां पर है। कंफ्यूजन हो रही है? नो सर नो कंफ्यूजन। ये देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, आपका जो x इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो यहां हो सकता है
या यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। इस मधु यहां तक क्लियर है? हाँ सर। इस मधु अगर यहां तक क्लियर है तो आप देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ अभी दिख रहा है। ओके, ये लिंक मैं आपको भेजूंगा, ठीक है? जब ये लिंक आपको भेजा जाएगा तो इसमें ये दो पे आपने फोकस करना है। आपको समझ आया? ओके सर। अब इसमें एक तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर 15 वेव्स का है, उसमें आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई आपको? ओके सर। और साथ में ये हमने एसएल अरोड़ा से कुछ क्वेश्चंस चूज किए हैं जो कि आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई आपको? ओके सर, समझा। मैडम, द गुड न्यूज इज कि एसएल अरोड़ा की जो बुक है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं, स्क्रीन देख रही है आपको? हाँ सर। तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। वो स्कैनिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे यहाँ पर। ये देखिए 2, 3, 4, 7। समझ आया आपको? हाँ सर। ओके सर। तो एक तो ये तो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, और दूसरी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका मैंने साथ में पीडीएफ लगाया हुआ है, उसके सॉल्यूशंस आप ओके सर आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। क्वेश्चंस ये देख लीजिए, क्वेश्चंस एक बार नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस ये वाले करने हैं, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं एनसीईआरटी से, और ये क्वेश्चंस करने हैं एसएल अरोड़ा से। और अगर आपका मूड लगता है तो महाराष्ट्र बोर्ड से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ओके सर। ओके मैडम, सी यू।